बनाई है अपने और आयशा के लिए खिचड़ी, गरम गरम खिचड़ी। उसमें देसी घी डाल के खाओ तो बहुत टेस्टी लगती है, यमी और हेल्दी भी होती है। और मैंने ये न्यूट्रीला ये सोया जो है सोख करके रखा है पानी में, मैं शाम को आलू न्यूट्रीला बना लूँगी। तो ये हमारा लंच और डिनर रेडी हो जाएगा आज का ये लंच और डिनर, क्योंकि मेरा बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं कर रहा है लिटरली। मेरे को बहुत बहुत नींद नींद आ रही है, मे भी ठंड की वजह से। ठंड मेरे को वैसे ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगती है और ठंड हो भी रही है, धूप तो है बट थोड़ी सी देर जब धूप चली जाएगी फिर वही मेरे को ठंड लगने लगेगी। तो मैं ब्लोअर पे डिपेंड रहती हूँ, फिर ब्लोअर ऑन करती हूँ बस और अपना काम करती रहती हूँ धीरे धीरे। बट आज भी मैं लिटरली काफ़ी लेट उठी, 12:30 मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं था, बट फिर भी फिर थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट करके फिर बच्चों को पढ़ाया लाइट ब्रेकफास्ट करके। और पढ़ते तो ऐसे मुँह लटका के हैं, ये रिक्शा पढ़ लेती है अच्छे से, वो शी इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, बट इनके पीछे मेहनत करनी पड़ती है और ये माही और हसन के पीछे, क्योंकि ये थोड़ा अभी बेसिक इनको सिखा रही हूँ, ये अभी छोटे क्लास में भी हैं, छोटे बच्चों के पीछे ज़्यादा मेहनत हो जाती है। बट इट्स ओके, कर लेते हैं, जो मैं होमवर्क देती हूँ धीरे धीरे आ जाएगा इनको। आयशा भी खेलने में लगी है क्योंकि माही हमारे नेबर्स में ही रहती है, नेबर में ही रहती है यहाँ पर, तो वो खेलने के लिए आ जाती है यहाँ पर आयशा के साथ, ये दोनों खेलते रहते हैं। तो मैं अपना टाइम अपना जो है काम निपटा लेती हूँ तब तक, मीनवाइल धीरे धीरे अपना बस पूरा दिन काम करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा ईजी। और गेस व्हाट, ये क्या करते हैं बच्चे, इतने सारे टॉयज इधर उधर फैला देते हैं, कांट टेल यू, बस उनको समेट के रखते रहो। बच्चों का काम है खेलना, फैला के जाना, फेंकना, और मेरा काम है उठा के रखना बार बार। ये इरेजर है रिक्शा का, अच्छा ये इसी में रख दो, वो कल आएगी तो दे देंगे उसको, वो ढूंढ रही थी ना। आप सब टॉयज इधर फैलाते नहीं मिलता है, चलो इसी में रख दो, कल रिक्शा को दे देंगे, रिटर्न कर देंगे। ओके, आयशा भी पढ़ाई करती है, आयशा भी सुना देती है आई ई ए टू जेड 11 to 20 पापा के साथ पर। तो धूप है जब तक, थोड़ी सी देर धूप का मज़ा ले लेती हूँ, उसके बाद धूप चली जाएगी, क्योंकि ये बैलकनी में सामने बिल्डिंग है, उस वजह से धूप रुक जाती है और धूप जल्दी चली जाती है। बस थोड़ी सी देर और खिचड़ी बना दी है मैंने, और मैं और आयशा खाएंगे भी थोड़ी देर में, ईजी बेटा। तो मेरा लंच हो गया है डन, खिचड़ी, और आयशा तो खेलने में लगी हुई है, कभी ये माही का घर, कभी माही यहाँ, कभी ये यहाँ, कभी पूरा रात तक इनका ऐसे चलता रहता है। और आज तो रिमशा भी आई है ना, आज तो रिमशा भी आई है, इधर आओ, क्या करने आई हो, खेलने। तो ये आयशा के साथ खेलने के लिए आई है, फर्स्ट टाइम ही आई है, हमारे साथ वाली बिल्डिंग में ही रहती है, तो बच्चे घर में बोर हो जाते हैं तो ये आयशा के साथ खेल लेती है। आयशा को इधर उधर बेचने से अच्छा है कि बच्चे यहीं पर आके खेल लें, क्योंकि खाली रहता है मेरा घर पूरा, तो यहीं, और आयशा के पास इतने टॉयज हैं, इतने टॉयज हैं मतलब, तो बच्चे अच्छा खासा इंजॉय कर लेते हैं। रूल प्ले, आयशा क्या प्ले कर रही है, तो आयशा माही और रिमशा का खेलने में लगी हुई है। आंटी, यस, सुबह को खाना को बोलते हैं क्या, बोलते हैं सुबह को खाना को क्या बोलते हैं, ब्रेक, ब्लैक, क्या, हाँ वेरी गुड। और अभी दोपहर के खाने को, लंच, लंच, हाँ तुम मत बोलो रिमशा, और रात के खाने को, डिनर, वेरी गुड, क्लैप फॉर माही एवरीबॉडी, वेरी गुड वेरी गुड, माही को आ गया, अभी और सिखाएंगे माही को। तो आज जो मैं अपनी आलू न्यूट्रीला है वो बना रही हूँ एक्चुअली प्रेशर कुकर में, क्योंकि मेरा इतना टाइम स्पेंड करने का मन नहीं कर रहा सब्जी बनाने के लिए, तो डैट मैं ये सोच रही हूँ कि ये जल्दी से जल्दी बन जाए और मेरा टाइम भी सेव हो जाए। डोंट शाउट, बस सीटी का मेरे को आइडिया होना चाहिए कितना लगेगी, उसका मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। क्या हुआ, बच्चे बड़ा परेशान करते हैं, बच्चों के साथ में आप रेस्ट करने का सोच भी नहीं सकते,
सिंगल लाइफ और मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टफ है। मैं रेस्ट करना भी चाहूँ तो नहीं कर पाती हूँ आयशा की वजह से। व्हाट हैपन? नहीं करो बेटा, ज़्यादा नहीं करो, हैंड ख़राब हो जाएगा, है ना। तो अगर ये इसमें अच्छी बन जाती है तो मैं कभी कभी इसी में, डेली नहीं बट कभी कभी इसी में बना लिया करूँगी, जैसे कभी मन नहीं किया या कुछ भी एक्सरसाइज रीज़न हुए तो इन दैट केस में बना लिया करूँगी इसमें ही। बस अब मैं फ्लेम हाई करके मैं इसमें रेसर लगा देती हूँ एटलीस्ट 3-4, उसके बाद चेक करती हूँ। कभी कभी, ज़्यादा नहीं पर कभी कभी बना लिया करूँगी एटलीस्ट, मेरा टाइम सेव होगा, एनर्जी भी, क्योंकि कभी जब बिल्कुल बनाने का मन नहीं करता तो बाहर से कितना खाएंगे। सो दैट लेट्स ट्राई वंस। सो जस्ट लुक एट दिस, मेरी सब्जी है प्रेशर कुकर में अच्छी खासी बन गई है। ये आलू न्यूट्रीला, न्यूट्रीला को पहले सोक करके रखा था मैंने एटलीस्ट 1 आवर और मे बी मोर देन, और उसके बाद मैंने ये सब्ज़ी बनाई है। मेरी 4 विसल में मेरी सब्ज़ी बन गई है एंड आई एम सो डैम हैप्पी कि मेरा टाइम भी सेव हो गया, मेरी सब्ज़ी भी अच्छी बन गई। कभी कभी प्रेशर कुकर में बना लिया करूँगी सब्ज़ी, वो बस विसल का आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा गल जाती तो बस हलवा हो जानी थी ये। तो थैंकफुली अच्छी बन गई है, मैंने टेस्ट भी करी है थोड़ा सा कटोरी में लेके, तो इट्स गुड। अदरवाइज तो अगर मैं कढ़ाई वगैरह बनाती तो मेरे को अभी तक खड़े रहना पड़ता सीरियसली। तो अब मैंने ये सब्ज़ी बना ली है, अब चाय बन गई है मेरी, अब मैं चाय पीऊँगी और जल्दी, हाँ जल्दी रोटी बना के, एंड आई विल ट्राई टू स्लीप एज सून एज। आयशा का पता नहीं, पापा सुला देंगे, आई रियली डोंट नो, बट मैं रेस्ट करूँगी ऑन टाइम, रेस्ट नहीं भी करूँगी एटलीस्ट ऑन टाइम डिनर करके बेड में तो चले जाएंगे हम, ब्लैंकेट में, फिर उसके बाद जो मर्जी करो। तो अभी चाय बन गई है, आयशा में चाय पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं चाय के साथ, हल्का सा ब्रेकफास्ट, उसके बाद 9:30 बजे रोटी बना के 10 बजे तक डिनर कर लेंगे, लेट्स सी। बट मैं तो जल्दी सोचूंगी कि जल्दी हो जाए और जल्दी डिनर करके जल्दी सोने की कोशिश करेंगे आज। सो माय सब्जी इज़ रेडी इन प्रेशर कुकर, हॉर्लिक्स बिस्किट लिया, ओके मैं चाय के साथ दे रही हूँ आपको, वेट। हाँ ओह नो, अच्छा मैं आ रही हूँ अभी, मैं आ रही हूँ, आई एम कमिंग, मैं खिलाती हूँ आयशा को। तो टिल देन दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय एंड सी यू सून।